सपनों की दुनिया से आज थोड़ा बाहर निकलकर वास्तविकता को पहचानने की कोशिश करें। खर्चों पर काबू रखें, शत्रु को कमजोर ना समझें और योजना और प्लानिंग के साथ में हर एक काम करें और प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में अपने साथी को खुश करने के लिए जो छोटी छोटी बातें होती हैं उससे उनका मन लुभाते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राशिफल 20 जून 2021 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं। दिन होगा रविवार का, रविवार यानी संडे, संडे यानी फंडे, आपका कैसे बीतेगा। संडे बड़े रिलैक्स होते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता होता है कि काम तो अब करना नहीं है, देर से सो के उठते हैं, आराम से चाय नाश्ता करते हैं, फिर खाते हैं पीते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, कुछ अपने मन का करते हैं, कुछ घर का काम करते हैं, कुछ बच्चा कुछ ऑफिस का काम करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। इसलिए संडे को बिल्कुल फंडे कहना सबसे अच्छा रहेगा। तो राशिफल 20 जून 2021 क्या कहते हैं आपके सितारे, ये जानने से पहले यानी फंडे के सितारे जानने से पहले सुबह का संक्षिप्त पांचांग जान लेते हैं। सूर्योदय होगा 5:24 पर, सूर्यास्त होगा 7:22 पर, तिथि है शुक्ल पक्ष दशमी नक्षत्र है चित्रा वार इतवार, चंद्र राशि तुला, सूर्य राशि मिथुन, अभिजीत मुहूर्त 11:55 एम से 12:51 पीएम तक राहु काल है, 5:37 पीएम से लेकर 7:22 पीएम तक। तो राहु काल में सावधानी और शुभ समय में करें शुभ और महत्वपूर्ण काम ताकि आपके काम भी बनते चले जाएं। तो ये था सुबह का संक्षिप्त पांचांग। आज आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ साथ ये राशिफल चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है, महिला पुरुष बच्चे सभी के लिए है। आज का विशेष बताऊं उससे पहले आज का उपाय बताता हूं। आज का उपाय क्या है, बहुत दिनों से लोगों की डिमांड थी कि कोई उपाय बताया करिए, तो मैं भी एक उपाय लेकर आया हूं जो रोज मिलेगा आपको। अगर आपकी जन्म कुंडली, आप अपनी जन्म कुंडली खोलें, जो पैदा होते समय आपकी जन्म कुंडली बनती है वो उस कुंडली को देखें, अगर आपकी जन्म कुंडली में या वर्ष फल की कुंडली में शनि तृतीय भाव में बैठे हैं, तृतीय भाव ये देखिए कुंडली का तृतीय भाव आ गया, ये कुंडली सामने आई और ये जो लाल लाल रंग का हिस्सा दिख रहा है जहां पे 3 नंबर लिखा हुआ है इसको हम तृतीय भाव बोलते हैं। तृतीय भाव में अगर शनि बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली या वर्ष फल की कुंडली में, तो आपको शनि के बेहतर रिजल्ट लेने के लिए क्या उपाय करने चाहिए जिससे शनि यहां पर बैठ के आपको अच्छे रिजल्ट दे दे। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय होगा कि काले कुत्ते की सेवा करेंगे अगर आप, तो शनि के बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। काले कुत्ते की सेवा करें, उसको रोटी खिलाएं, उसको बिस्किट खिलाएं, उसको सही बिस्किट खिलाएं। सही का मतलब क्या होता है, जो ईंट की शेप के बिस्कुट होते हैं वो बिस्किट खिलाएं, और कुछ भी उसकी सेवा करें जिस भी तरीके से उसको आप खुश रख सकें, कुत्तों से प्यार करें यही कहेंगे। आपकी शादी हो गई है तो अपने साले की सेवा करें, इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कुत्ते की भी करें, साले की भी करें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इतना करके आप तृतीय भाव के शनि के बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे, उसके अशुभ प्रभावों से मुक्ति पा पाएंगे। बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन शानदार उपाय है, आप लोग आजमा के देखिएगा, आपको यकीनन लाभ होगा। यानी कि कुत्ते की सेवा करने से अगर आपके शनि तृतीय भाव में बैठे हुए हैं जन्म कुंडली में या वर्ष फल की कुंडली में। ये तो था आज का उपाय। अब आज के विशेष में जल्दी से आपको कहता हूं कि L21 यानी कि एक के साथ एक फ्री वाला ब्रेसलेट भी अवेलेबल है और L11 भी अवेलेबल है सिंगल ब्रेसलेट। तो ये बहुत जल्दी से हमारे पास मात्र इसकी जो अब बचे हैं हमारे पास वो समझ लीजिए 100-150 पीस ही बचे हुए हैं। जितनी जल्दी ऑर्डर करेंगे ये आपको मिलेगा, हम आपके लिए तैयार करा रहे हैं क्योंकि डिमांड है और कुछ लोगों को मिल गए, उन्होंने पहना, उनको लाभ भी हुआ, तो उन्होंने तो पूरे परिवार के लिए ले लिए, तो इसलिए अब आपको भी लाभ हो सकता है। तो L21 लिखकर भेजेंगे तो 2 मिलेंगे, L11 लिखकर भेजेंगे तो 1 मिलेगा। 1550 रुपये का रेट है, L11 लिखकर भेजिए ताकि ज़्यादा, मैं तो कह रहा हूँ कि L11 लिख के भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके और लाभ उठा सकें।
तो बहुत ही शानदार ब्रेसलेट है। हम पिछले 15 दिनों में न जाने, मुझे तो ठीक से याद भी नहीं कितने पीस ये लोगों ने मंगा लिए, लोगों को मिलने शुरू हो गए। अब आप क्यों पीछे हैं, अंतिम मौका है, आज कल में खत्म हो जाएगा। मैं तो 2 दिन से बोल रहा हूँ खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों की डिमांड आ रही है, इसलिए हमने कहा चलो एक दिन और सही। L11 लिखकर व्हाट्सएप करें और शानदार शक्ति कवच पाएं, और इसके साथ में वो 5 चीजें पाएं जिससे माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेंगी। आइए अब आपके राशिफल को जानते हैं। तो बात करते हैं आपके राशिफल की, बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए आज का दिन शुभ है, आज उम्मीद से कहीं अधिक धन कमाएंगे, आज आपका भाग्य आपके साथ होगा। जीवन साथी से थोड़ा सा तनाव, थोड़ी सी अनबन हो सकती है, जीवन साथी का थोड़ा हाथ बटाएं घर के कामों में तो बढ़िया रहेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होगा, सेहत आपकी बढ़िया रहेगी। आपके साथ रहने वाले जो भी लोग हैं घर में, परिवार में, आस में, पड़ोस में, उनके साथ आपके संबंध और रिश्ते बढ़िया होंगे। और सपनों की दुनिया से आज थोड़ा बाहर निकलकर वास्तविकता को पहचानने की कोशिश करें। खर्चों पर काबू रखें, शत्रु को कमजोर ना समझें, और योजना और प्लानिंग के साथ में हर एक काम करें, और प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में अपने साथी को खुश करने के लिए जो छोटी छोटी बातें होती हैं उससे उनका मन लुभाते रहें। बढ़िया खाना खाने को मिलेगा, बढ़िया मन का कोई जैसे सब्जी कह लें या कोई मिठाई कह लें या मन की कोई ऐसी चीज़ जो आपकी इच्छा हो, वो चीज़ आपकी आज खाने पीने के मामले में पूरी हो जाएगी। और घर के छोटों को घर के बड़ों से आज थोड़े बहुत पॉकेट मनी एक्स्ट्रा मिल सकती है। हनुमान जी की उपासना करते रहिए, और ये जो शक्ति कवच है जानते हैं कितने काम का है, ये जब आपके हाथ में होगा तो फिर समझ लीजिए, कहते हैं ना दुनिया मुट्ठी में, तो समझ लीजिए आपके हाथ में ये ऐसे गया और फिर दुनिया और दुनिया की खुशियां होंगी मुट्ठी में। L11 लिखकर व्हाट्सएप करें। नमस्कार।